सब देवता स्तुति करते हैं क्या, करुणा निधान रौआ जगत के दाता है, करुणा निधान रौआ जगत के दाता, श्री भगवान रौआ जगत के दाता है, श्री भगवान रौआ जगत के दाता है, मती के फेर देनी, मती के फेर देनी, विपत्ति के टेर देनी, विपत्ति के टेर देनी, के बात समान रौआ जगत के दाता है, के बात समान रौआ जगत के दाता है, भक्त विदुर घर गईनी, भक्त विदुर घर गईनी, प्रेम से सगवे खैनी, प्रेम से सगवे खैनी, छोड़ी पकवान रौआ जगत के दाता है, करुणा निधान रौआ जगत के दाता है। बड़े भाव से करुणा निधान परमात्मा की वंदना सब लोग कर रहे हैं। इधर पुल रावण, इधर पुर लंका की ओर बनता ही जा रहा है, पुल बन करके तैयार हो रहा है, इधर सब राम नाम की गर्जना करते हैं, बोले राजा रामचंद्र भगवान की। भगवान की भक्ति बड़ी अपरंपार है। ग्राह के मार देनी, ग्राह के मार देनी, गज के उबार देनी, गज के उबार देनी, ग्राह के मार देनी, ग्राह के मार देनी, एक गज के उबार देनी, गज के उबार देनी, के बात समान रौआ जगत के दाता है, के बात समान रौआ जगत के दाता है, करुणा निधान रौआ जगत के दाता है, करुणा निधान रौआ जगत के दाता, मैया सबरी घर गईनी, मैया सबरी घर गईनी, जूठे बेर खैनी, जूठे बेर खैनी, क्या कई के बखान रौआ जगत के दाता है, कई के बखान रौआ जगत के दाता है, करुणा निधान रौआ जगत के दाता है, करुणा निधान रौआ जगत के दाता है। बड़ा सुंदर भाव है, दर्शन कराते हैं। हाँ, केवट से चरण धोवौली, केवट से चरण धोवौली, गीधपति हिए लगवनी, गीधपति हिए लगवनी, केवट से चरण धोवौली, केवट से चरण धोवौली, गीधपति हिए लगवनी, गीधपति हिए लगवनी, जाने ला जहान रौआ जगत के दाता है, जाने ला जहान रौआ जगत के दाता, श्री भगवान रौआ जगत के दाता है, श्री भगवान रौआ जगत के दाता, करुणा निधान रौआ जगत के दाता है, करुणा निधान रौआ जगत के गावेले दास मयतरी, गावेले दास मयतरी, खची के तीन गो चिचरी, खींच के तीन गो चिचरी, गावेले दास मयतरी, गावेले दास गयतरी, खींच के तीन गो चिचरी, खीन के तीन गो चिचरी, कैली बुद्धिमान रौआ जगत के दाता है,
कैनी बुद्धिमान रहुआ जगत के दाता है करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है श्री भगवान रहुआ जगत के दाता करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है करुणा निधान रहुआ जगत के दाता बोल राघवेंद्र सरकार की परमात्मा ने करुणा किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सुनहु भानुकुल के तु जामवंत कर जोरि कह नाथ नाम तब से तु नर चढ़ भव सागर तरही नर चढ़ी भव सागर तरही। भगवान ने पूरा पुल बन के तैयार हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं शैल विशाल आन कपि देही कंदुक इव नल नील तिले ही बड़े बड़े शैलों को कंदुक के समान गेंद के समान नल नील लेते हैं राम नाम लिख करके और जैसे ही सागर में डालते हैं वैसे सब ठाकुर जी की कृपा हो जाती है सब तैरने लगते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान ने कहा कोई भी शुभ कार्य करने से पहले परमात्मा शिव का अभिषेक करना चाहिए। सोहन श्री राघवेंद्र सरकार ने बालू की शिवलिंग को बनाया और बड़ी विधिवत पूजा की। हनुमंतलाल जी आदि सब ने विधिवत बहुत सामग्री लाई और श्री भगवान रामेश्वरम की स्थापना भगवान श्री राम ने किया। बोल रामेश्वर भगवान की जय। श्री रामेश्वर भगवान की जय। यहाँ पे भगवान जी अपने भक्ति का दर्शन कराते हैं। मुक्ति उसी के हाथ में है जो मुक्ति का मालिक। जो चीज आपके हाथ में नहीं है वो आप कैसे किसी को दे सकते हैं। देने का अधिकार तो उसी चीज का आपको है जो आपके खजाने में हो। आपके खजाने में जो चीज होती वही आप दे सकते हैं। ठाकुर जी के खजाने में मुक्ति है। भगवान शिव को स्थापित करके भगवान कहते हैं राम जी क्या पहले तो शिवलिंग की स्थापना किया बड़ी सुंदर भाव से। लिंग थापि विधवत करी पूजा लिंग थाप विधवत करी पूजा शिव समान प्रिय मोहिन दूजा शिव समान प्रिय मोहिन दूजा शिव द्रोही मम भगति कहावा शिव द्रोही मम भगति कहावा सो नर सपने हूँ मोहिन पावा सो नर सपने हूँ मोहिन पावा। भगवान घोषणा करते हैं क्या भक्ति का मार्ग बताते हैं। जो रामेश्वर में गंगा जल ला के चढ़ाएगा वो क्या होगा वो सायुज मुक्ति का अधिकारी होगा। ये भगवान अपने खजाने से दे रहे हैं। जय रामेश्वर दर्शन करही ते तनु तजी मम लोक सिधरही जो गंगा जलवान चढ़ाही सो सायुज मुक्ति नर पाई सो सायुज मुक्ति नर पाई। जो गंगा जल आके चढ़ाएगा उसको निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी। ये भगवान राम का वाक्य है और राम वचन महाराज अकाट्य। परमात्मा ने सबको प्रसन्न किया। बाधा सेतु नील नल नगर सेतु बांध कर दिया नील नल ने और राम कृपा जस भयो उजागर। राम जी की कृपा से पहली बार जल के अपार जल राशि पे पत्थर पे पानी पे पत्थर तैर गया। किसके प्रभाव से बोले ठाकुर जी की कृपा के प्रभाव से। ठाकुर जी जिसको आप स्पर्श कर दें जिसके कंठ में आपका नाम हो जाए वो इस भव सागर में कभी डूब ही नहीं सकता। पत्थर पे निर्जीव पत्थर पे परमात्मा के सजीव नाम अंकित हो गए तो पत्थर भी जल में तैरने लग गए। इससे हम आप सभी भक्तों को विश्वास हो रहा है कि जो भगवान के नाम का
जो सुमिरन करते हैं, तो ये मानव कैसे नहीं तरेगा साहब, हम सब तर जाएंगे। ये भगवान के नाम की महिमा है। राम न सकई नाम गुण गाई, सरकार के ठाकुर जी के नाम में महिमा है। ठाकुर जी जिस पे कृपा कर दें, महिमा यह न जलधि कै बरनी, पाहन गुण न कपिन कै करनी। गोस्वामी जी कहते हैं क्या, श्री रघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जे राम तजी, भजहि जाई प्रभुवान। वो मतिमंद है जो राम राघवेंद्र सरल साहिब को छोड़ करके अन्य धर्म पंथ का अवलोकन करते हैं। राम जी तारनहार हैं, राम जी यद पादप प्लवमेक एव भवाम बोधे स्थितिर्षावताम, जिनके चरण कमल रूपी नौका ही संसार सागर से डूबते हुए जीव को उबारने में एकमात्र सहारा है। ऐसे ठाकुर जी के चरणों को क्यों नहीं पकड़े, जो नहीं पकड़ा उसका सब व्यर्थ हो जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सेतु बंध भई भीरति कपि नभ पंथ उड़ाही, अपर जल चरण ऊपर चढ़ी चढ़ी पारही जाए। बड़ा कौतुक हुआ, नगर में कुलाहल हो गया लंका में कि अरे लंका में तो पहली बार किसी ने सागर पे सेतु बांध लिया है। रावण कहता अरे जिसके मंत्री विभीषण हो उसको विजय कहां मिलेगी, जाओ जाओ अंगद को भगवान ने भेजा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अंगद गए हैं, लंका शिखर ऊपर आगारा, तह दसकंधर देख अपारा। वहां दसकंधर बैठा शिखर के ऊपर, गोस्वामी तुलसीदास जी दर्शन कराते हैं ये वेद निहित कर्म करते हैं। वेद विहित करने वाला कर्म यदि उसके कर्म शास्त्र युक्त नहीं होंगे तो वेद के कार्य, वेद मंत्र का प्रयोग करने वाला व्यक्ति भी नमत हो जाता है, छींट हो जाता है। वेद वैदिक कार्य को करने वाला व्यक्ति पार उतरता है, लेकिन वेद के विरुद्ध जाने वाला व्यक्ति चाहे वो वेद मंत्र का ही क्यों सहारा ले वो पार नहीं हो सकता। गोस्वामी जी कहते हैं बड़े प्रकार से भगवान ने इस प्रकार से रणलीला की है। गोस्वामी जी कहते हैं अंगद का लंका में प्रवेश हुआ, बंदी चरण उर धरी प्रभुताई, अंगद चलो सब ही सिर नाई, प्रभु प्रताप उर सहज असंका, रण बांकुरा बाल सुत बंका। महाराज लंका में जाकर के अंगद ने अपने पैर को जमाया और अंगद ने कहा मैं बाली का बेटा, मेरे पैर को जो हिरा दे मैं राम शपथ खाता हूं सीता जी का त्याग करके चला जाऊंगा। मतलब हनुमंत लाल जी से पूछा, हनुमंत लाल जी ने अंगद से कहा अरे अंगद भैया ये तुमने किसके बल पे ऐसा काम कर लिया, और तुमने राम जी को मतलब राम जी की प्रियतमा श्री सीता जी को हारने की बात कही गई, इतना बल तुम में कहां से आया। अंगद जी कहते हैं बलहीनों के आगे तो सबका बल चलता है, रावण कुकृत्य का कार्य कर रहा है उसके अंदर आत्मबल नहीं है, लेकिन हम सुकृत का कार्य कर रहे हैं, हमें राम नाम रूपी बल है, हमने इसीलिए बल रखा। क्या रावण के घर में लंका, रावण की घर लंका, और लंका में अशोक वाटिका, और अशोक वाटिका में श्री किशोरी जी, रावण हर के भी लाया है लेकिन श्री किशोरी जी को छू तक नहीं पाया। क्यों, रावण लाया तो है लेकिन अभी श्री किशोरी जी को पाया नहीं है। लाने में और पाने में बड़ा अंतर होता है। अंगद जी कहते हैं अगर रावण के लंका में ही किशोरी जी हैं, अगर रावण श्री सीता जी को पा लिया होता तो हमारे पैरों को पकड़ता नहीं। अब मैंने यही शर्त रखी थी, अगर आप मेरे पैर को उठा ले कोई भी आपके यहां लंका में कोई भी राक्षस तो मैं सीता जी को हार जाऊं। अरे सीता जी तो पहले से ही लंका में है, फिर हारने जीतने का प्रश्न ही क्या है। रावण कह सकता था कि जाओ सीता तो मेरे पास है, मैं तुम्हारे पैरों को नहीं पड़ूंगा, सीता हार जाऊंगा, मतलब अभी भी सीता जी नहीं प्राप्त हो पाई हैं। मन में सीता रूपी शांति रावण के नहीं आई है, वो दौड़ के आता है अंगद का पैर पकड़ने। अंगद नाम बाली कर बेटा, अरे महाराज बाली का बेटा है, ये वही बाली है जिसने रावण को 6 महीने अपने कांख में घुमाया था पूरे पृथ्वी पे, ये वही बाली का बेटा है।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अंगद बहुत प्रकार से प्रबोधता है, नहीं मानते हैं, अंगद सबको डांट करके चला आता है और रावण जैसे ही अंगद का पैर पकड़ने चलता है तो रावण के मुकुट को अंगद लात मारते हैं, परमात्मा के चरणों में जाके मुकुट गिरता है रावण का और देखा परमात्मा प्रसन्न हुए। ठाकुर जी ने कहा अंगद लगता है अपना कार्य करके आए हैं। इधर लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध होता है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं लक्ष्मण मेघनाथ दो जोधा भर ही परस पर कर अति क्रोधा। लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध हुआ है, मेघनाथ ने वीर घातनी विद्या से एक ऐसी बर्छी प्राप्त की थी कि जिसको मारने के बाद व्यक्ति बचता नहीं है। लक्ष्मण ने माना है, तेज पुंज लक्ष्मण जी के हृदय में मूर्छा आई है, शक्ति लगी है, भगवान लक्ष्मण गिर गए हैं। हनुमंतलाल जी तुरंत उस रणांगण से लक्ष्मण जी को ले आते हैं प्रभु के पास में। मेघनाथ समकोटि सत जोधार है उठाए जगदाधार से सकिम उठे चले खिसकाए। बड़े बड़े योद्धा सोचे कि लक्ष्मण जी को उठा ले चलें, लेकिन लक्ष्मण जी शेष साई भगवान हैं, स्वयं शेष नाग हैं, उनको कौन उठा सकता है। सुन गिरी जा क्रोधानल जासु जरई भुवन चारि दस आसु सक संग्राम जीत को ताही से वही सुर नर आग जग माही। बताइए जिसके नाम से व्यक्ति संग्राम जीत जाता है उसके छोटे भैया लखन मूर्छा में है। गोस्वामी तुलसीदास जी दर्शन कराते हैं, सब ने कहा क्या होगा, लक्ष्मण जी की मूर्छा कैसे दूर होगी। सुषेण वैद्य को बुलाया जाता है, सुषेण वैद्य को लंका से हनुमंतलाल जी उठा के लाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सुषेण वैद्य ने कहा इनकी मूर्छा केवल संजीवनी बूटी से ही मिट सकती है और वो संजीवनी बूटी हिमालय पर्वत पे मिलेगी और भोर होते ही संजीवनी बूटी इनको नहीं मिली तो इनके प्राण पखेरु चले जाएंगे। ऐसा सुनकर के हनुमंतलाल जी ने राम जी के चरणों में प्रणाम किया और वहां दूते कमरम जनावा रावण काल नेमी गृह आवा। इधर रावण ने कालनेमी को प्रेरित किया कि हनुमान संजीवनी बूटी लेने जा रहे हैं, तुम उनके मार्ग को भटकाओ। लेकिन संत के मार्ग को सुपथ पे चलने वाले को कोई भटका नहीं सकता। हनुमंतलाल जी समझ गए कालनेमी साधु बन के बैठा है और राम नाम का नाम जप रहा है, लेकिन पहले रावण का नाम लिया। हनुमंतलाल जी समझ गए ये कपट वेश है। हनुमंतलाल जी सरोवर में जाके पानी जलादि पीने लगे और जैसे ही मुख धोया तो वहां एक मगरमच्छ था, उसने हनुमंतलाल जी को पकड़ने का प्रयास किया। हनुमंतलाल जी ने उसका उद्धार किया, उसने बताया सरकार ये कालनेमी नाम का राक्षस है। हनुमंतलाल जी ने कहा कोई बात नहीं, ये मेरा गुरु बन रहा था, इसको गुरुदक्षिणा देना मेरा काम है। सो हनुमंतलाल जी कालनेमी का वध करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं अस कही चला रच सिमग माया सर मंदिर बर बाग बनाया राक्षस कपट बेस तह सोहा मायापति दूत ही चह मोहा। जो संपूर्ण ब्रह्मांड को माया में बांध के रखे हैं उनके दूत को माया दिखाने कालनेमी चला, भगवान ने उद्धार किया। गोस्वामी जी कहते हैं हनुमंतलाल जी महाराज आगे चले हैं, संजीवनी बूटी ले आके देते हैं भरत जी ने, श्री लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हो इसके लिए संजीवनी बूटी ला रहे हैं। मार्ग में अयोध्या पड़ी है, अयोध्या के ऊपर से संजीवनी बूटी लेकर के जा रहे थे। भरत जी ने समझा कोई असुर है, भरत जी ने एक तीर मारा, हनुमंतलाल जी महाराज नीचे गिर गए। हनुमंतलाल जी महाराज, कई लोग प्रश्न करते हैं कि भरत जी जब तीर मारे तो हनुमंतलाल जी नीचे गिर गए, बताओ भरत जी के तीर से हनुमान जी कभी गिर सकते हैं क्या। भरत सरिस को राम सने ही जग जप राम राम जप जे ही। राम जी जिसका जप करते हो ऐसे भरत जी भला कैसे ऐसा अनहित कार्य कर सकते हैं। बोले भरत जी ने एक बाण से उस पर्वत को रोका और दूसरे बाण का आघात हनुमंतलाल जी के छाती पे किया, लेकिन वहां तो राम जी विराजमान हैं। भरत जी समझ गए तात कुशल कहूं सुख निधान की सहित अनुज अरुमात जान की।